बहुत बार ऐसा होता है जिनसे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वही हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चैनल किस्से कहानियां और किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम है निशा। आज एक बार फिर लेकर आई हूँ नॉवल अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन, जिसे लिखा है खालिद हुसैनी ने। इस बुक की समरी की कॉन्टिन्यूएशन फर्स्ट पार्ट आपने इसी चैनल पर सुना। अगर नहीं सुना है तो आप इसी चैनल पर उसे सर्च कर सकते हैं और पहला पार्ट सुनकर कहानी को और अच्छे से जान सकते हैं। जी हाँ, इस कहानी के साथ साथ हम जानेंगे कि कैसे दो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, कैसे दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप होता है। ये नॉवल जो कहानी है दो लड़कियों के रिलेशनशिप की, माँ बेटी का रिश्ता जिनमें बनता है, कहानी है मरियम और लाइला की। अप्रैल 1978 काबुल में जन्म हुआ लाइला का। लाइला जिसके फादर हकीम एक स्कूल में प्रोफेसर थे, उसकी माँ फरीबा जो बहुत ओपन माइंडेड थी, लाइला के दो भाई थे नूर और अहमद, एक बहुत ही अच्छी फैमिली, एक बहुत ही खुश मिजाज फैमिली। जब लाइला दो साल की थी तो नूर और अहमद को भेज दिया गया था जंग में लड़ने के लिए, जिहाद पाने के लिए। लाइला को कहा जाता था रेवोल्यूशनरी गर्ल, क्योंकि तब अफगानिस्तान में आया था रेवोल्यूशन। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, उन लोगों की गवर्नमेंट बन गई थी, और वहाँ अगर हाकिम की माने तो वुमेन की कंडीशन पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई थी, वुमेन को एनकरेज किया जा रहा था। पर अफगानिस्तान में वॉर हो रही थी और रशिया को वहाँ से निकालने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा था। आमिद और नूर को भेज दिया गया था पंजशीर, वहाँ पर उन्होंने कमांडर अहमद शाह मसूद की फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया था जिहाद पाने के लिए, और इसी दौरान वो दोनों शहीद हो गए थे। फरीबा ने अपने दोनों बेटों को खो दिया था और ये दुख सह पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसकी छोटी सी दो साल की बच्ची है फरीबा, उसका ध्यान नहीं रख पा रही थी, वो अपने दुखों में डूब चुकी थी। वो न हंसती थी, न बोलती थी, न बिस्तर से उठती थी, काले कपड़े पहन लिए थे और पूरा दिन बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। उसका पति जो उसे बहुत प्यार करता था बहुत मुश्किल से उसे खाना खिलाता, उसे समझाने की कोशिश करता, उसे दुख से बाहर निकालने के लिए वो लाइला को उसके पास बिठाता, पर वो लाइला को भी इग्नोर कर देती थी। लाइला का कहना है कि माँ बाप अपने एक बच्चे के दुख में इतने क्यों डूब जाते हैं कि दूसरे बच्चे की खुशी ना देख पाए। लाइला ने शुरू से यही फेस किया था, पर उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। कम्युनिस्ट के आने के बाद उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए उन्हें एक फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। पर उनका कहना था कि उनके लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लाइला को बहुत पढ़ाना चाहते थे, बहुत ऊंचे मकाम पर देखना चाहते थे। 1987 के स्प्रिंग आ चुके हैं, लाइला हो चुकी है 9 साल की। उसके पड़ोस में रहने वाले तारिक को वो बहुत पसंद करती है, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ बहुत ज्यादा समय वो बिताती है। उसका परिवार जो एक आम परिवार है जहाँ पर माँ बाप बच्चों का ध्यान रखते हैं, वो उसके परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद करती है। तारिक जिसने इसी जंग के दौरान अपना एक पैर खो दिया था, उसका एक ही पैर है, दूसरा पैर उसने नकली लगवाया हुआ है। लाइला अपना ज्यादातर समय तारिक के साथ ही बिताती है। स्कूल से अगर लड़की अकेले घर आ रही है तो उसके साथ लड़के बुरा बर्ताव करते हैं, अगर वो तारिक के साथ होती है तो उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं होता। उसे स्कूल छोड़ने तो रोज सुबह उसके पिता जाते हैं, पर वापस आने के लिए वो रोज उसकी माँ को कह के आते हैं कि लाइला को स्कूल से लेकर आना, पर वो रोज भूल जाती है और इसी वजह से ज्यादातर लाइला तारिक के साथ ही स्कूल से आती है। तारिक के अंकल बहुत बीमार थे, इस वजह से उसे कहीं बाहर जाना पड़ा और लाइला के लिए तारिक के बिना रह पाना बहुत मुश्किल होता है, वो उसे बहुत मिस करती है, उसके बिना उसका मन ही नहीं लगता। आज वो अपनी दो सहेलियों के साथ स्कूल से आ रही थी, तब खादिम नाम के एक लड़के ने उसके ऊपर पिचकारी से एक लिक्विड फेंका। वो उसी समय समझ गई थी, उसकी स्मेल से वो समझ गई थी, उस लड़के ने अपना यूरिन लाइला के ऊपर फेंक दिया था, उसके पूरे बालों पर फेंक दिया था। उसे बहुत बुरा लगा था, उसने घर जाकर अपने बालों को शैम्पू से धोया, वो नहाई, सारे कपड़े धोए, पर फिर भी उसे अपने अंदर से स्मेल आ रही थी। ये बात जब उसने अपनी माँ को बताई तो उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि वो कल से उसे लेने जरूर आएंगी। लाइला ने कहा आप तो कल भी ऐसा ही कह रही थी, जिस पर वो चुप हो गई थी। उसे तारिक की बहुत याद आ रही थी, अगर तारिक यहाँ होता
तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। माँ ने अपने कमरे में ही एक बड़ी सी नूर और अहमद की फोटो लगाई हुई थी, जिसे देखकर वो कभी कभी बातें करती थी। उन्होंने लायला को बताया था कि पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद ने खुद अहमद और नूर के लिए प्रार्थना की थी, उनके लास्ट राइट्स में शामिल हुए थे। और माँ का कहना है कि लायला के भाई बहुत ज्यादा ब्रेव थे, इसलिए लायला को उन पर गर्व होना चाहिए। 6 महीने बाद ही लायला के पिता ये खबर लाए थे कि सोवियत अब यहाँ से जाने वाले हैं और ये कंट्री अब कम्युनिस्ट से फ्री हो जाएगी। पर लायला की माँ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उसका कहना है कि जब तक मुजाहिदीन अपनी विक्ट्री परेड नहीं निकालेंगे, वो ब्लैक कपड़े पहनना नहीं छोड़ेगी, अपना बिस्तर नहीं छोड़ेगी, खुश नहीं होगी। जनवरी 1989 में कम्युनिस्ट का आखिरी रिजीम चला गया था, पर 1992 में सोवियत्स का नामो निशान अफगानिस्तान से खत्म हो गया था। और उस दिन एक बार फिर लायला की माँ अपने बिस्तर से उठी थी, तैयार हुई थी, दूसरे कपड़े पहने थे, अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया था, घर को साफ किया था, खाना बनाया था, और उस दिन वो बहुत खुश थी। मुजाहिदीन की जीत हुई है, उनके बेटों ने जो कुर्बानी दी उन्हें सफलता मिली है, आज उसके बेटे भी बहुत खुश होंगे, इसलिए वो भी बहुत खुश थी। पर ये खुशी वो लोग ज्यादा दिन तक नहीं मना पाए थे, क्योंकि तब गृह युद्ध शुरू हो गया था, आपस में ही लड़ाइयां शुरू हो गई थी, और उसका असर काबुल पर बहुत ज्यादा देखने को मिला था। काबुल पर रॉकेट्स फेंके जाते थे, गोलियां बरसाई जाती थी, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था, उनके घर तोड़े जा रहे थे, उन्हें घर से निकाला जा रहा था, और बहुत बुरा हाल हो चुका था काबुल में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग काबुल छोड़कर, अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान भाग रहे थे। लायला जो अब 14 साल की हो चुकी थी, उसके पिता काबुल छोड़ना चाहते थे, पर फरीबा नहीं मान रही थी। वो कह रही थी कि मैं अपने देश को छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये कुछ समय की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लायला का स्कूल छुड़वा दिया गया था और उसे अब घर में ही पढ़ाया जाने लगा था। अब तक वो तारिक से बहुत प्यार करने लगी थी। तारिक को जब उसने वो पेशाब फेंकने वाली बात बताई थी, तब उसने उस लड़के को बहुत पीटा था। वो अब लायला से प्यार करने लगा था, उसने अपने प्यार का इजहार भी किया था। आसपास के लोग इन दोनों को लैला मजनू कहकर बुलाते थे और हर कोई इनके रिश्ते के बारे में बातें करता था। उसमें राशिद भी शामिल था। एक बार वो मरियम के साथ जा रहा था, तब उसने मरियम से भी कहा था, देखो हमारे मोहल्ले के लैला मजनू। लायला तारिक के सामने अपना प्यार एडमिट कर चुकी थी, दोनों ने एक दूसरे को छुआ भी था, एक दूसरे को चूमा भी था, पर काबुल में जो हाल था उसकी वजह से तारिक के माता पिता ने ये तय किया था कि वो अफगानिस्तान छोड़कर जाएंगे, पाकिस्तान, ईरान या फिर अमेरिका, वो किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं। उससे पहले वो फिलहाल पाकिस्तान जाएंगे, सारे पेपर्स पूरे करवाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि उन्हें कहाँ जाकर सेटल होना है। काबुल छोड़कर उनके आसपास के बहुत सारे लोग जा चुके थे और बहुत सारे लोग मर भी चुके थे, जिसमें लायला की एक सबसे अच्छी सहेली भी थी, जिसके ऊपर रॉकेट गिर गया था और उसके चित्र उड़ गए थे। लायला की माँ बीमार थी, पेट में दर्द था, तो उसके पिता उनको डॉक्टर के पास ले गए थे। लायला अपने घर पर अकेली थी और तारिक आया था। तारिक बहुत उदास था, उसने अभी तक लायला को नहीं बताया था कि वो कल अगले ही दिन अफगानिस्तान छोड़कर जा रहा है। उसके लिए लायला के सामने ये न्यूज रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने लायला को शादी के लिए प्रपोज किया, उसने लायला से कहा कि मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा, आज ही हम लोग शादी कर लेंगे और तुम उसके बाद मेरे साथ रह सकती हो। पर लायला अपने माता पिता को इस हाल में छोड़कर कैसे चली जाएगी? उसकी माँ ने एक बार फिर काले कपड़े पहन लिए हैं, वो बिस्तर से नहीं उठती, बीमार रहती है, पिता उसे इतना प्यार करते हैं, उस पर इतना विश्वास करते हैं। हाँ वो निकाह के लिए मान तो जाते, पर लायला अभी ऐसा नहीं करना चाहती थी। जब तारिक ने बताया कि वो अगले ही दिन अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, तो उसने पहले तारिक को बहुत मारा था, वो बहुत रोई थी, बहुत दुखी हो गई थी। तारिक ने उसे कहा था कि चलो निकाह कर लेते हैं, तुम मेरे साथ चलना, पर लायला इसके लिए तैयार नहीं। और उस समय दोनों एक दूसरे की बाहों में आ गए थे और एक हो गए थे। उसके बाद तारिक ने बहुत कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर लायला ने तारिक से कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ और पीछे मुड़कर भी मत देखना, जो होगा देखा जाएगा, पर मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तारिक चला गया था, लायला बिल्कुल टूट गई थी। एक दिन वो घर के बाहर खड़ी थी, तभी एक गोली आकर उनके दरवाजे पर लगी थी। लायला जस्ट बच गई थी।
जब ये बात फरीबा को पता चली तो उसे लगा कि अब उसके पास सिर्फ लायला बची है और उसे इसे नहीं खोना, इसलिए वो मान गई। सिर्फ 17 दिनों बाद फरीबा मान गई थी अफगानिस्तान छोड़ने के लिए। अगर 17 दिनों पहले वो ये बात मान गई होती तो दोनों परिवार एक साथ जा सकते थे। लायला आज तारिक के साथ होती। हाँ, वो नहीं जानती कि तारिक कहाँ है। खैर, इन लोगों ने तय किया था कि ये पाकिस्तान जाएंगे, शायद वहाँ तारिक मिल जाए। तब सारा सामान बांधना शुरू कर दिया गया था। बहुत सारी चीजें हैं घर में, सब कुछ लेकर जाना तो नहीं हो सकता, इसलिए बहुत सारी चीजें आपको फेंकनी भी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें आपको देनी भी पड़ेंगी। अपनी प्यारी चीजों से, अपने घर से दूर होना बहुत मुश्किल होता है, सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। इन लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल था। फरीबा के लिए अपने घर से, अपने बेटों के इस देश से दूर होना मुश्किल था। लायला के लिए अपने दोस्तों की यादों से दूर होना, तारिक के घर से दूर होना बहुत मुश्किल था। वहीं लायला के पिता के लिए अपनी किताबों से दूर होना, अपना देश जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उसे छोड़कर जाना सच में एक बहुत मुश्किल काम होता है। पर ये तीनों वो मुश्किल काम कर रहे थे, इन्हें करना ही था। बहुत सारा सामान बांध लिया था और कार बुला ली गई थी। अब ये लोग स्टेशन जा रहे थे, वहां से ये पाकिस्तान जाएंगे। लायला डिब्बे उठा उठा कर बाहर लेकर जा रही थी। उसके पिता ने कहा था तुम रुक जाओ, मैं रखाता हूँ, पर लायला मान ही नहीं रही थी। सामान रखने बाहर गई, तब उसने पीछे मुड़कर देखा, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। एक रॉकेट उनके घर पर आकर गिरा और पूरा घर जल गया, साथ ही लायला के माता और पिता भी। लायला भी उस ढेर के नीचे दब गई थी। वहां से उसे निकाला था राशिद ने, जो उसे अपने घर ले गया था। मरियम ने लायला का बहुत ध्यान रखा, उसकी बहुत सेवा की, बहुत टाइम लगा, पर लायला पहले से बेहतर हो गई थी। हाँ, उसे बहुत ज्यादा सदमा लगा था, उसने सब कुछ खो दिया था, पहले अपने दोस्त, उसके बाद तारिक और अब माता पिता भी। उसके पास कुछ नहीं बचा था, वो बहुत टूट चुकी थी। राशिद जो लायला के सामने बहुत अलग तरह से बिहेव करता था, वो जो मुंह खोलकर खाता था, आवाजें निकालता था, हाथ से खाता था, उसने अब चम्मच लेना शुरू कर दिया था, नैपकिन रखना शुरू कर दिया था, बड़ी बड़ी इंटेलिजेंट बातें करने की कोशिश करता था। वो जानता था कि लायला पढ़ी लिखी है और उसके सामने वो ये इंटेलिजेंट बातें कर उसे इम्प्रेस कर सकता है। कहा वो 14 साल की बच्ची और कहा 60 साल का राशिद, जिसके मन में लायला को देखकर कुछ ख्याल आने लगे थे, उसे बेटा चाहिए। लायला तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती थी, उसके मन में सिर्फ एक ख्याल था कि वो कैसे पाकिस्तान पहुंच जाए, कैसे जाकर तारिक को ढूंढ ले, उसके परिवार को ढूंढ ले और उनके साथ चली जाए। लायला यहाँ से जाना चाहती थी। ये बात राशिद समझ गया था। तब उसने एक तरीका ढूंढा और उसने एक आदमी को अपने पीछे से अपने घर भेज दिया, जिसने लायला को बताया कि उसे पाकिस्तान में तारिक मिला था। ये सुनकर लायला खुश हो गई थी। पर वो आदमी जो बहुत बुरी खबर लाया था, उसने बताया कि तारिक बहुत बीमार हो गया था, उसे इन्फेक्शन हो गया था और हॉस्पिटल में उस आदमी को तारिक मिला था। तब तारिक लायला की बहुत बातें करता था, कहता था कि वो लायला से बहुत प्यार करता है और उस आदमी से कहा था कि जब भी तुम अफगानिस्तान जाओ तो मेरी लायला से जरूर मिलना, उसे जरूर बताना कि मैं उसे बहुत याद करता हूँ। 2 दिन के बाद ही तारिक का देहांत हो गया था। लायला ये सुनकर पागल जैसे हो गई थी। सिर्फ एक उम्मीद बची थी उसकी जिंदगी में, वो था तारिक। अब वो उम्मीद भी खत्म हो गई थी। लायला चुप रहती थी, बिल्कुल कुछ नहीं बोलती थी और राशिद लायला को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता। मरियम को ये सब कुछ समझ में आ रहा था, पर उसे सब कुछ बहुत बुरा भी लग रहा था। उसने जिस लड़की को बचाया, उसकी सेवा की, आज वो ही उससे उसका सारा संसार लूटना चाहती है। उसे लायला से नफरत हो गई थी, बहुत ज्यादा नफरत। उसने राशिद से इस बारे में बात की थी तो उसने कहा था तुम क्या बोलोगी, तुम मुझे एक बेटा नहीं दे पाई, अब मुझे भी तो चाहिए अपना वंश चलाने वाला, और तुम्हारे पिता ने भी तो 3-3 शादियां की थी, 9-9 बच्चे पैदा किए थे, अब तुम मुझे कैसे मना कर सकती हो। ये लड़की अकेली है, हम इसे कहाँ भेजेंगे, कहाँ जाएगी, यहीं रहना है। अब अगर एक कवारी लड़की हमारे घर में रहेगी तो लोग बातें नहीं बनाएंगे। मैं नहीं चाहता कि उस लड़की की बदनामी हो, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस लड़की से निकाह कर लेना चाहिए। लायला के लिए कितना मुश्किल होगा एक 60 साल के बूढ़े आदमी से निकाह करना, पर लायला की भी एक मजबूरी थी। लायला ने अपने पीरियड्स मिस कर दिए थे,
वो तारिक के साथ जो रिश्ता बना चुकी थी उसका फल उसके पेट में पनपने लगा था। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर अगर यहाँ से भाग जाएगी तो कहाँ जाएगी? मान लो पाकिस्तान पहुंच भी गई तो वो कैंप में जाकर क्या उसका कोई ध्यान रखेगा? उसका बच्चा जन्म लेगा तो वो किस हालात में जन्म लेगा, क्या सुलूक होगा उसके साथ, वो कुछ नहीं जानती। वहां पर तो बहुत बुरा हाल होता होगा, उसे तो अच्छा वो यहीं पर रहे और अपने तारिक की आखिरी निशानी को जन्म दे। अब उसे फैसला जल्दी लेना था, क्योंकि अगर वो देर करेगी तो राशिद को असलियत दिख जाएगी। वो ये नहीं चाहती थी, इसलिए उसने राशिद से निकाह करने के लिए हाँ कर दिया था। वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी, तारिक की निशानी को इस दुनिया में लाना चाहती थी। राशिद के साथ उसने निकाह कर लिया था। मरियम इस सबसे और ज्यादा परेशान थी और वो लाइला से और ज्यादा नफरत करने लगी थी। लाइला जो बहुत खूबसूरत है, जवान है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, हर तरीके से वो मरियम से बेहतर है, इसलिए मरियम को उसे देखकर बहुत जलन होती और उस पर उसने जल्दी ही राशिद को ये खबर भी दे दी थी कि वो माँ बनने वाली है। राशिद की खुशी का ठिकाना नहीं था, उसे बहुत उम्मीदें थी कि इस बार उसका बेटा ही होगा। मरियम जो अब तक 33 साल की हो चुकी थी और उसे एक छोटी सी 15 साल की लड़की के सामने बेइज्जत किया जाता था। लाइला को कहा गया था कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम मरियम से करवा, ये तेरी नौकरानी की तरह है, ये जो कि अनपढ़ है, एक हरामी है, ये तेरी आज से नौकर बन जाएगी। लाइला ऐसा नहीं चाहती थी, वो मरियम से बात करने की कोशिश करती पर मरियम उसकी तरफ देखती बिना, क्योंकि उसे बहुत नफरत हो चुकी थी लाइला से। लाइला मरियम की मदद करने की कोशिश करती, उसके पास आती, पर मरियम उसे बुरा भला कह के वहां से जाने को कहती, कहती कि तुम्हें जो भी कहना है राशिद को कह लो, पर मैं तुम्हारी नौकर नहीं बनूंगी। हालांकि लाइला ने कहा था कि मैं तुम्हें नौकर नहीं बनाना चाहती। मरियम के मन में एक डर था, एक हीन भावना आ चुकी थी और वो लाइला के आस पास भी नहीं आती थी। 1993 में लाइला ने जन्म दिया एक बेटी को, उसका नाम उसने अजीजा रखा। राशिद बहुत ज्यादा दुखी हुआ था, बहुत गुस्सा आ रहा था उसे लाइला के ऊपर, और उसके बाद लाइला और उसके रिश्ते में भी बहुत फर्क आ गया था। लाइला अपना ज्यादा समय अपनी बेटी अजीजा के साथ बिताती, उसे बहुत प्यार करती, पर राशिद उस बच्ची को बहुत नफरत करता। ये देखकर मरियम को अच्छा भी लगता था, मन ही मन वो खुश भी होती थी, पर लाइला की बच्ची के आसपास भी नहीं आती थी, उससे दूर ही रहती थी। कभी कभी राशिद कहता कि तुम चाहो तो कुछ मदद कर सकती हो, पर तुम जान के नहीं करती। जिस पर मरियम कहती, मैं क्या जानू बच्चों के बारे में, मैंने क्या कभी बच्चे पाले हैं, मैं कौन सा कभी माँ बनी हूँ, मुझे बच्चों का कुछ करना नहीं आता। जिस पर राशिद चुप हो जाता। एक दिन राशिद और लाइला की रात को बहुत लड़ाई हुई थी और उसके बाद राशिद हाथ में बेल्ट लेकर मरियम के कमरे में आ गया था। मरियम इतने सालों में थोड़ी स्ट्रांग हुई थी, पर राशिद के सामने वो बहुत डरपोक थी, और जब उसके हाथ में बेल्ट देखती थी, उसकी आंखों में वो गुस्सा देखती थी, तब वो बहुत डर जाती थी, बहुत ज्यादा कांपने लगती थी। आज भी ऐसा ही हाल हो रहा था मरियम का। उसने कहा था कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पर राशिद ने कहा कि तुमने ही उस लड़की को सिखाया है, तुमने ही उसे कोई पट्टी पढ़ाई है, तभी तो वो मुझे ना कह रही है, वरना वो मुझे ना नहीं कह सकती। मरियम जो निर्दोष थी, जिसने कुछ नहीं किया था, राशिद ने बेल्ट उठाकर बहुत तेज मरियम को मारा था, तभी लाइला आ गई थी, उसने राशिद के हाथ से बेल्ट छीन ली थी और वो बहुत रोई थी। वो राशिद को हाथ पकड़कर वहां से ले गई थी, कहा था कि मैं किसी चीज के लिए ना नहीं कहूंगी, तुम मेरे साथ चलो, पर तुम मरियम को मत मारो। उसके बाद लाइला राशिद के साथ कमरे में चली गई थी। बहुत देर तक मरियम यूं ही बिस्तर पर लेटी रही थी, डरी हुई, सहमी हुई। उसके बाद उसे बहुत प्यास लगने लगी और वो हिम्मत कर उठी, रसोई घर में जा रही थी तो अचानक से उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। उसने देखा जमीन पर लाइला अपनी बच्ची के साथ सो रही है। बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी, बच्ची सोई नहीं थी। वो मरियम की तरफ देखने लगी अपनी नन्नी नन्नी आंखों से। मरियम ने पहली बार पास से अजीजा को देखा था। अजीजा मरियम की तरफ देखकर हंसने लग गई थी। उसने कहा,
तुम्हें क्या खुशी मिल रही है जो तुम इतना हंस रही हो? चुपचाप सो जाओ, तुम्हारी माँ उठ जाएगी। ये कहकर मरियम वहाँ से जाने लगी तो अजीजा ने उसे आवाज देकर बुलाया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे मरियम से कह रही हो कि मेरे पास आ जाओ। तब मरियम उसके पास चली गई थी और उसे देखकर अजीजा बहुत खुश हो रही थी। पहली बार किसी ने इतने प्यार से मरियम की तरफ देखा था। मरियम का दिल पिघल गया था, उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। उसने अपने दोनों हाथ बढ़ाए थे मरियम का हाथ थामने के लिए। मरियम ने कहा था, क्या चाहती हो, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? मरियम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अजीजा ने उसकी उंगली को कस के पकड़ लिया। मरियम ने उंगली छुड़ाने की कोशिश की पर अजीजा छोड़ ही नहीं रही थी, तो मरियम वहीं पर बैठ गई अजीजा के साथ और फिर वो बच्ची सो गई थी। बड़ी मुश्किल से ध्यान से वो अपनी उंगली निकालकर रसोई घर में गई थी, पानी पिया था, पर उसके मन में अजीजा के लिए अब एक प्यार उमड़ गया था। उस छोटी सी बच्ची ने मरियम की ममता को जगा दिया था। उसके बाद मरियम जब भी अजीजा को देखती उसके मन में प्यार आता। उसने जो कपड़े बनाए थे जब वो पहली बार माँ बनने वाली थी, वो कपड़े उसने अजीजा को दे दिए थे। इसके बाद लाइला और मरियम का रिश्ता भी सुधरने लगा था। दोनों काम के बाद बाहर बैठती, एक साथ बैठकर चाय पीती, बातें करती। कभी मरियम काम करती तो लाइला अजीजा को संभालती, और जब अजीजा मानती ही ना, उसे मरियम के पास ही जाना होता, उसकी गोद में ही रहना होता, तो सारा काम लाइला को करना पड़ता था। अजीजा ने मरियम को वो प्यार दिया था जिससे मरियम अभी तक वाकिफ ही नहीं थी, जो उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। आज तक किसी ने उसे इतना जरूरी महसूस नहीं करवाया था। अजीजा मरियम के बिना रह ही नहीं पाती थी। राशिद जब काम पर जाता तो दोनों बहनों की तरह रहने लगी थी। एक दिन लाइला ने मरियम की चोटी भी बनाई थी। दोनों के बीच में अब कोई डिफरेंसेस नहीं थे। पुरानी बातें भी शेयर करने लगी थी, एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी सांझा कर ली थी दोनों ने। जब अफगानिस्तान में माहौल बहुत खराब हो गया था, तब एक हफ्ते के लिए राशिद घर पर आ था और दोनों का जीना मुश्किल हो गया था। राशिद दोनों को घर से बाहर ना निकलने देता, अगर बाहर निकलना है तो बुर्का पहनो और कोई सामान भी चाहिए। राशिद अगर घर पर नहीं है तो मरियम बुर्का पहनकर बाहर जाएगी, लाइला घर से बाहर नहीं निकल सकती। लाइला अपने वो आजादी के दिन बहुत मिस करती थी, वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए जब उसे मौका मिलता वो राशिद की जेब से पैसे चुरा लेती। कभी 10 अफगान, कभी 20 अफगान, कभी 50 अफगान, जैसे उसे मौका मिलता। वो धीरे धीरे पैसे इकट्ठा कर रही थी। जब 1000 अफगान हो जाएंगे तो वो इस घर को छोड़कर भाग जाएगी, उसने ये तय कर लिया था। 1994 का स्प्रिंग था। आज लाइला ने तय किया था कि वो राशिद के जाने के बाद घर छोड़कर जाएगी। उसने मरियम से भी कहा था कि तुम मेरे साथ चलो। मरियम बहुत डर रही थी पर उसने हाँ कह दिया था। अब वो और राशिद को बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, इस मौके को भी वो खोना नहीं चाहती थी। तय हो गया था राशिद के जाने के बाद तीनों घर से बाहर निकल जाएंगे। लाइला भी बहुत घबराई हुई थी, ऐसे लग रहा था कहीं राशिद को उन पर शक ना हो जाए। खैर राशिद काम पर चला गया। उसके बाद इन लोगों ने कार बुला ली और मरियम और लाइला बुर्का पहनकर छोटी सी बच्ची को हाथ में लेकर कुछ सामान लेकर घर छोड़कर निकल गई थी। उन्होंने तय किया था कि बस स्टॉप जाएंगी, वहां से पेशावर के लिए बस लेंगी और राशिद के चंगुल से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगी। पूरा समय कार में भी ये हर किसी को देखते हुए चल रही थी, कहीं राशिद उनका पीछा तो नहीं कर रहा, कहीं राशिद को उनके बारे में पता तो नहीं चल गया। बहुत घबराई हुई थी। उन दिनों अफगानिस्तान में औरतें अकेले सफर नहीं कर सकती थी, ये कानून के खिलाफ था। अब उन्हें कोई ना कोई आदमी चाहिए जो उनके साथ सफर करे। वो जब बस स्टॉप पहुंची तो उन्होंने देखा बहुत सारे आदमी हैं, अब किससे बात करें, किस पर विश्वास करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लाइला ने तब देखा कि एक आदमी जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है, उसके साथ उसकी पत्नी है, उसका परिवार है। लाइला को लगा ये आदमी ठीक रहेगा। लाइला उस आदमी के पास गई, उसने कहा कि मैं बेवा हूँ और ये मेरी माँ है, हमारी ये छोटी सी बच्ची है, हमें पेशावर जाना है अपने चाचा के पास, आप हमारी मदद कर दीजिए, हमें अपने साथ ले जाइए, हमारी टिकट आप ला दीजिए। वो आदमी मान गया था, लाइला ने उसे पैसे दे दिए थे टिकट लाने के लिए। बस जाने में 4 घंटे थे। वो 4 घंटे उन दोनों के लिए बस स्टॉप पर बिताना बहुत मुश्किल हो गया था। बहुत घबरा रही थी, उन्हें लग रहा था कि अभी राशिद आ जाएगा और दोनों की बहुत बुरी तरह पिटाई हो जाएगी। पर बस आ गई। अजीजा खुश हो गई थी बस को देखकर और लाइला ने कहा था इसी बस में हम जाएंगे, बस
अब हमें आजादी मिलने वाली है। बस कंडक्टर सबकी टिकट चेक कर रहा था और सबको बस में बिठा रहा था। लाइला ने कह दिया था उस आदमी को कि तुम कह देना मैं तुम्हारी बहन हूँ। उस आदमी ने हाँ कहा था। जब कंडक्टर उस आदमी से टिकट चेक कर रहा था तो उसने उस आदमी के परिवार को तो बस पर चढ़ा दिया और लाइला और मरियम से कहा साइड में होने के लिए। ये दोनों बहुत डर गईं। उन्होंने कहा क्यों, हमारे पास टिकट तो है, फिर आप हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? ये मेरा भाई है, आप ऐसे हमें रोक तो नहीं सकते? उस आदमी ने लाइला की एक ना सुनी। लाइला जबरदस्ती बस पर चढ़ने की कोशिश भी कर रही थी तब उस आदमी ने कहा था अगर शराफत से मान जाओगी तो ठीक है वरना घसीटते हुए ले जाएंगे। उन दोनों को वहां से पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां पर इंस्पेक्टर ने कहा कि अभी तक तुम बहुत झूठ बोल चुकी हो, अब सच बोलो तभी तुम्हें छोड़ा जाएगा। लाइला ने कहा हम दोनों बेबस औरतें हैं, हम पेशावर जाना चाहते हैं अपने अंकल के पास, आप हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? उस इंस्पेक्टर ने कहा कि ये कानून के खिलाफ है, दो औरतें अकेली कहीं नहीं जा सकती, तुम सफर नहीं कर सकती, कोई ना कोई आदमी होना चाहिए तुम्हारे साथ। उसके बाद इंस्पेक्टर ने लाइला से बहुत सारे सवाल पूछे, उसके अंकल का नाम, उसके परिवार में कौन कौन है, क्या काम करता है, पूरा एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है। लाइला कुछ सवालों तक तो झूठ बोल पाई बहुत आराम से, पर उसके बाद उसके लिए मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो अपनी बात पर टिकी हुई थी, इंस्पेक्टर को कह रही थी कि प्लीज हमें जाने दो, आपका क्या बिगड़ जाएगा अगर हम दोनों यहाँ से चले भी जाएंगे तो। पर इंस्पेक्टर नहीं मान रहा था। लाइला ने कहा था अगर अब हम घर जाएंगे तो वो हमारा क्या हाल करेगा, आप ये सोच सकते हैं? इंस्पेक्टर ने कहा वो आपका घरेलू मामला है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लाइला ने कहा जो घरेलू मामला है, जो घर के अंदर हमारे साथ अत्याचार होंगे, घर के अंदर जो कानून तोड़े जाएंगे, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। दो लोगों ने जबरदस्ती लाइला को कमरे से बाहर निकाला और उसके बाद बुलाया गया मरियम को। मरियम जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, बहुत ज्यादा सहमी हुई थी, जिसे झूठ बोलना नहीं आता, एक सीधी सादी लड़की, जब बाहर आई थी तो मरियम ने कहा था मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तरह चालाक नहीं हूँ, मुझे सवालों के जवाब नहीं देने आते। लाइला ने कहा था आपकी कोई गलती नहीं, सारी गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उसके बाद दो इंस्पेक्टर इन लोगों को घर तक लेकर गए थे। राशिद ने दरवाजा खोला था, अभी तक उसने काम से आने के बाद कपड़े नहीं बदले थे, चेहरे पर बहुत गुस्सा था। इंस्पेक्टर ने कहा वेलकम हो। दोनों औरतें डरी हुई घबराई हुई घर के अंदर गई थी और राशिद ने लाइला को बालों से खींच लिया था, बालों से खींचता हुआ सीढ़ियों पर घसीटता हुआ ले जा रहा था। उसके हाथ से अजीजा छूट गई थी जो बहुत बुरी तरह रो रही थी, पर राशिद जानवर बन चुका था, एक जानवर की तरह उसने अजीजा को उठाकर बेड पर फेंक दिया था और लाइला को कमरे में फेंक कर उसके पेट में लात मार दी थी, उसके मुंह में से खून निकलने लगा था, कमरे के अंदर रखकर बंद कर दिया था कमरा। उसके बाद शुरू हुआ था असली अत्याचार। लाइला चिल्लाई थी कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो जाना भी नहीं चाहती थी, सारी गलती मेरी है। हर हमेशा कमजोर को ही ज्यादा सजा मिलती है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। वैसा ही मरियम के साथ भी हुआ, उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया। वो ना रोई ना चिल्लाई, चुपचाप सहती रही। उसके बाद उसे घसीटते हुए बालों से पकड़कर खींचते हुए वो बाहर गैराज में ले गया था जहाँ उसे बंद कर दिया था। खिड़कियों पर बोर्ड लगा दिए गए थे, कीले ठोक दी गई थी, पूरा घर उनके लिए अब जेल बन गया था। पता नहीं कब तक राशिद ने इन लोगों को खाना तो दूर की बात है, पानी भी नहीं दिया था। अजीजा का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। लाइला को डर था कि उसके सामने उसकी बाहों में उसकी बच्ची जान दे देगी, दम तोड़ देगी और वो वही लेटी लेटी अपनी मौत का इंतजार करेगी। लाइला जानती थी कि अब वो नहीं बच पाएगी, अब उसकी मौत तो निश्चित है। उसे दुख ये था कि उसकी वजह से मरियम को भी ये सब कुछ सहना पड़ा। वो मरियम को तसल्ली देना चाहती थी पर उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे जब भी राशिद के जाने आने की आवाज आती वो दरवाजा जोर जोर से खटकाती और उसे कहती कि कम से कम पानी ही दे दो, मेरे लिए ना सही, बच्ची के लिए ही सही। पर राशिद कोई जवाब ना देता। बच्ची जब बहुत रोती वो मुंह से उसे सांस देती, उसे जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद करती।
कभी सो जाती, कभी उठ जाती, कभी बच्ची को संभालती, कभी खुद को भी ना संभाल पाती। बहुत ज्यादा टूट गई थी। तब एक दिन राशिद कमरे में आया था। उसने कहा था, अगर दोबारा तुमने ये सब कुछ करने की कोशिश की तो समझ लेना, पहले मैं उस औरत को मारूंगा, फिर इस बच्ची को मारूंगा, और तुम्हें ये सब देखने के लिए जिंदा रखूंगा, आखिर में तुम्हें मारूंगा। लैला ने माफी मांगी थी, कहा था कि वो कभी दोबारा ऐसा नहीं करेगी। उसके बाद ये दोनों औरतें उस घर में, या फिर कहें तो जेल में, कैदियों की तरह रह रही थी। 2.5 साल हो चुके थे, 1996 सितंबर आ चुका था। तालिबान, जिन्होंने अफगानिस्तान की सरकार पर कब्जा कर लिया था, और अफगानिस्तान के लोग बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब हुई है अफगानिस्तान की असली जीत, ये लोग ही अफगानिस्तान में सारी चीजों को ठीक कर देंगे। अब कोई रॉकेट्स नहीं होंगे, कोई फायरिंग नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। इन लोगों के बीच में यूनिटी है, सब लोग एक ही बात कहते हैं। हाँ, इन लोगों को अफगानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं पता। हाँ, ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत गवार है, पर इनका मकसद एक है, ये अफगानिस्तान पर राज करना चाहते हैं, वहां के लोगों को खुशहाल बनाना चाहते हैं। और लोग बहुत खुश थे तालिबान के आने से। राशिद ने कहा था, मैं तो उनके ऊपर फूल बरसाऊंगा, मैं तो बहुत खुश हूँ तालिबान के आने से। उस दिन राशिद इन तीनों को लेकर गया था तालिबान को वेलकम करने। ये लोग बहुत खुश थे, और वहां पर लोग अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे। अलग अलग जगहों पर बोर्ड लगा दिए गए थे, तालिबान जिंदाबाद, तालिबान जीते रहो। लोग गले मिल रहे थे और बहुत खुश थे तालिबान के आने से। नहीं जानते थे कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, और मरियम और लैला भी नहीं जानती थी कि आगे आने वाले समय में उनके साथ क्या होगा। खैर, हम सब जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में उनके साथ क्या हुआ, पर फिलहाल आपको करना होगा इंतजार। अगले हफ्ते इस नॉवल की कंटिन्यूएशन के साथ हाजिर हो जाऊंगी, थर्ड और लास्ट पार्ट लेकर। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। ये कहानी हम सबको सुननी चाहिए। जानेंगे अगले हफ्ते तालिबान ने अफगानिस्तान में क्या क्या किया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मी। बाय बाय।